नवनिर्वाचित सिरमौर की जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत ने सिरमौर विधायक दिव्यराज से भेंट किया। विधायक ने नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष को बधाई दिया और नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष ने विधायक का पुष्पगुच्छ भेंट कर आभार प्रकट किया। स्वागत के पश्चात विकास कार्यों की बैठक की गई। इस बैठक में वीरेंद्र विकास कार्यों की चर्चा हुई। इस दौरान सिरमौर क्षेत्र की जनता कैसे खुशहाल रहे इस पर चर्चा की गई है। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य रविराज विश्वकर्मा एवं गोलू सिंह, प्रदीप चौधरी, पुनीत सिंह, अन्य सिरमौर जनपद क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराया एवं उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनपद अध्यक्ष को जो दायित्व दिया है उसका वह निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगी। आज हमारे सिरमौर जनपद की नवनिर्वाचित अध्यक्षा रवीना साकेत जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमारे सिरमौर की अध्यक्ष बनी है, वो आज हमसे मुलाकात करने आई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि हर गांव में और हमारे पूरी जनपद में हमारी जितनी भी गरीब जनता है उनको जो हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं वो अच्छे से प्राप्त हो जाए, विकास के कार्य हमारे सिरमौर जनपद में ठीक ढंग से सुचारू रूप से हो और आने वाले समय पर हर गांव में हम कैसे जो चीज़ें छूटी हुई हैं, जो विकास कार्य छूटे हुए हैं उनको हम कैसे पूरा करें, इसकी आने वाले भविष्य में हम लोग रणनीति बनाएंगे और बैठक लेकर के हमारे पूरे जनपद में जो जो काम बचे हुए हैं उनको करने का प्रयास किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मैं जनपद अध्यक्ष बनी हूँ। मैं अपने जनपद क्षेत्र के विकास के लिए अपने विधायक जी के पास आई हूँ का सहयोग लेने, आगे का कार्य करने के लिए, और चाहती हूँ कि आगे की मीटिंग के लिए अपना थोड़ा बहुमूल्य समय हमको दें जिससे क्षेत्र का विकास हो सके, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। क्या नाम है आपका? हम रवीना शाके, जनपद अध्यक्ष श्रीमान रवीना शाके।